हेलो माय यूट्यूब फैमिली, होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों का सिकंदर सलमानी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और एडवांस फ्रंट सेट क्रिएटिव क्लास। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको मैं डिटेल में ब्रीफ करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग सेक्शनिंग देख लीजिए, बहुत सिंपल सेक्शनिंग है। फ्रंट की लेयर को मैं फॉरहेड के पास से बिल्कुल आर्च टू आर्च, थोड़ा सा डायगनली जहाँ पे इनको बेस्ट साइड लगता है उस साइड पार्टिंग करते हुए मैं सेट कर रहा हूँ। यानी कि जो सेक्शनिंग है यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, सो देट आपको ये पूरी स्टाइलिंग अच्छे से समझ में आए। ये बेसिकली बैक साइड जाता है, वो फ्रंट साइड है। बहुत सी बारी हम क्या होता है, क्लाइंटों को बैक साइड जाते हुए फ्रंट साइड देते हैं, तो आपने इस तरीके से बना दोगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और ये बहुत इन में भी है और हर तरीके की ड्रेस पे भी बहुत अच्छे से चला जाता है। तो आप ये वेस्टर्न में भी दे सकते हो, ट्रेडिशनल में भी दे सकते हो, ये बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से एक एक लेयर को मैंने सबसे पहले साइड से हल्का सा स्ट्रेच किया, उसमें सॉफ्ट 3D किया और स्प्रे के साथ नीट करते हुए। यहाँ पर जो मैं स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ वही हमारा शॉर्टकॉपर टाफ्ट हेयर स्प्रे, मैं आगे आपको दिखा दूंगा एक बारी, और ईजिली हर जगह मिल भी जाता है। बस इसी तरीके से मैंने फटाफट से दो लेयर तीन लेयर पे यहाँ साइड में, जैसे यहाँ क्या ऐसे ही मैं अदर साइड करने वाला हूँ और यही पैटर्न में अदर साइड भी प्ले करूँगा। तो आप अच्छे से देखिएगा और इस तरीके से लॉक करना है और ये नीचे इस तरीके से होल्ड करना है ताकि ये जो हमारे हेयर्स हैं वो फ्लैट रहें, यानी नीचे की तरफ पेस्टेड रहें। कभी कभी उठे हुए हो जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। बॉब पिन से आप देख सकते हैं मैं कैसे सिक्योर कर रहा हूँ इसके एक एक लेयर को, और स्प्रे से कैसे फिनिशिंग दे रहा हूँ ये भी आप देख सकते हो। एक एक लेयर को अच्छे से स्ट्रेच करते हुए, नीट करते हुए, नीटनेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ये साइड्स पहले हम बना रहे हैं, यानी कि उधर साइड हो गई, अब ये अदर साइड हो गई। फ्रंट पे हमारी जो लेयर अलग की थी वो अलग है, तो ये दोनों हमारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हम इसको कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हमने दोनों साइड बनाने सेम पैटर्न में, जैसे वहाँ से किया था ऐसे ही हम यहाँ से करेंगे, सेम पैटर्न में हम काम करेंगे। और यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक एरिया पे मैंने स्टार्टिंग वाले एरिया पे मैंने यूज़ किया है बॉबे पिन, और जो भी अब इसके बाद लेयर मैंने लॉक किया उसमें मैंने छोटा वाला जूड़ा पिन लॉक किया था, उससे लॉक किया था। उसके अलावा दोस्तों, अब बारी है हमारे टॉप एरिया की। आप देख सकते हो टॉप पे मैंने एक छोटी सी लेयर उठाई है, उसको फटाफट से मैं अब क्या करूँगा, कोम, इसको कोम करते हुए और फिर उसके बाद फटाफट से मैं बैक कोमिंग करूँगा। बैक कोमिंग ओनली रूट्स पे करनी है, बहुत हल्की बैक कोमिंग करनी है, क्योंकि आप ज़्यादा बैक कोमिंग कर दोगे तो आगे की तरफ आ जाती है और वो नीट नहीं होती है। स्प्रे से अच्छे से स्प्रे कर लिया, अब इसको अच्छे से लॉक करके इसमें हम बनाएंगे फटाफट से 3D। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको 3D बनाना है और आपने पहले स्प्रे कर दिया तो उसको कोम ज़रूर कर लें। अगर आप कोम कर लेते हो तो वो स्प्रे का स्टेन ख़त्म हो जाता है और बालों के अंदर आप इजीली 3D बना पाते हो। ऊपर मैं फटाफट से जूड़ा पिन से लॉक कर दूंगा। जैसे मैंने मिड से स्टार्ट किया था तो मिड वाले एरिया को अलग कर लिया मैंने, और दोनों साइड से अब एक एक लेयर लेके इनको ओवरलैप करते हुए मैं इसको बनाने वाला हूँ फ्रंट साइड को। ये बैक साइड जाता है, इसको हम बैक साइड क्रिस क्रॉस फ्रंट साइड भी बोलते हैं, जो ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये मेरा ऑलमोस्ट फ्रंट से एक लेयर कंप्लीट हो गई है। ये रहा हमारा शॉर्टकॉफ का वही टाफ्ट हेड स्प्रे। सो दोस्तों, अब हम एक एक लेयर को उठा के इसको ओवरलैप करेंगे। आप देखिए मैं किस तरीके से ओवरलैप करते हुए एक एक लेयर को लॉक कर रहा हूँ। मैं आपको नीचे सेक्शनिंग भी दिखा रहा हूँ, कितनी पतली पतली मैंने सेक्शनिंग ली है, और इसको हम क्रिस क्रॉस पैटर्न में लॉक करने वाले हैं। और इसके अंदर भी हम सॉफ्ट 3D करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया पीछे की तरफ जाता है, इसके साथ आप बहुत कुछ प्ले कर सकते हो, बट मैंने एक सॉफ्ट सा प्ले किया है वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा एंड में, बट अभी आप इस पर फोकस कीजिए। इसको आपने एक एक लेयर को अच्छे से नीट करना है, और जैसे ये अभी उठ रही है मैं यहाँ पे जूड़ा पिन से इसको होल्ड करूँगा, यानी कि देखिए होल्ड किया, अब ये ऐसे कैसी शेप ले लेगी, क्योंकि ये उठी उठी अच्छी नहीं लगती, ये कनेक्ट लगनी चाहिए हमारी साइड से। सेम इधर से भी मैं सेम इसी तरीके से एक एक लेयर लूँगा और इसको भी ओवरलैप करते हुए, और इसमें भी हम सॉफ्ट हल्के से सॉफ्ट 3D करेंगे। आप देख सकते हो मैं लॉक कैसे कर रहा हूँ, ओवरलैप करते हुए एक दूसरी लेयर के नीचे ही मैं इसको जूड़ा पिन से लॉक कर रहा हूँ, क्योंकि हम टॉप पे बना रहे हैं तो यहाँ पे हम जूड़ा पिन का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से बाल फिसल के या गिरेगा नहीं कहीं पे भी जाके। मगर आप यही चीज़ अगर साइड में कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना अपने छोटे वाले बॉब पिन यूज़ करने। सेम ऐसे ही हम एक और लेयर लेंगे, इसको भी इसी तरीके से, मतलब आप समझ लीजिए सेम पैटर्न हमने यहाँ फॉलो किया, और ये बहुत अमेजिंग लगता है। अगर मैं आपको बताऊँ ये आपको देना किस पे चाहिए, तो आप बेसिकली इसको लॉन्ग फॉरहेड, यानी जो बड़ा फॉरहेड होता है उस पर भी दे सकते हो, और जो छोटा फॉरहेड होता है उस पर भी दे सकते हो। छोटे फॉरहेड पे आप फ्रंट से ही शुरू कर दो, फ्रंट पे कोई लेयर मत छोड़ो, और अगर आपका फॉरहेड बड़ा है तो जैसे कि मैंने फ्रंट पे लेयर छोड़ी है, आप ऐसी एक लेयर छोड़ के फ्रंट को फ्रेम करने के लिए उसे छोड़ सकते हो। आप मीडियम फॉरहेड पे भी ये दे दोगे तो ये बहुत अमेजिंग लगता है। आप देखें मैंने एक और लेयर ले ली है, सेम पैटर्न चलेगा और नीचे तक मैं इसको बनाने वाला हूँ। कम से कम एक लेयर में आप एक तरफ से, जैसे कि हम ऊपर से बनाते हुए आ रहे हैं,
तो दो हो गई हैं, ऐसी दो और नीचे बनाऊंगा, टोटल 6 या 7 आप बनाएं तो ये बहुत अमेजिंग लगता है। आप चाहो तो 5 भी ये बना सकते हो, 5 लेयर वाला, वो भी अच्छा लगता है। बस ये कि सॉफ्टली आपने काम करना है, एक एक लेयर से अच्छे से लॉक करते हुए, एक एक लेयर को हल्का हल्के हाथों से उठाते हुए और कनेक्ट करते हुए चलना है। एक एक लेयर को अच्छे से कनेक्ट करके रखना है सो दैट आपकी जो 3D है वो भी अच्छे से दिखे, आपका जो फॉल है वो भी अच्छे से दिखे। मैं आपको बार बार सेक्शन दिखा रहा हूँ, बहुत पतले पतले सेक्शन में उठा रहा हूँ। ये इजीली जब मैंने मिडल में लॉक किया था, 2 जगह बाल डिवाइड हो गए थे और वही 2 जगह डिवाइड हुए बालों को मैं ओवरलैप करते हुए लॉक कर रहा हूँ। बहुत सिंपल मेथड है, इसी मेथड से अगर आप करेंगे तो आपका भी 100% ऐसा ही फ्रंट सेट होगा। और आपको अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगता है तो प्रैक्टिस करके ज़रूर भेजिएगा हमें, और नीचे सोशल हैंडल दिख रहे हैं इस पे भी हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा प्रैक्टिस करके। हमें बहुत अच्छा लगता है, हम लोग उसे अपनी स्टोरीज वगैरह पे लगाते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि आप लोग इसे एज अ कोर्स और बहुत सीरियस होकर इसको कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सीरियस हैं आप लोगों को लेके। हम अच्छे से सिखा रहे हैं यहाँ पे ताकि आप अच्छा स्टाइलिंग करना सीखें, अपने क्लाइंट को एक अच्छी सर्विस दें, अच्छी क्लाइंट को स्टाइलिंग करके दें। सो इस तरीके से आपने बिल्कुल सेम पैटर्न में यहाँ फॉलो कर रहा हूँ। एक भी जगह अभी तक मैंने पक्के से लॉक नहीं किया, क्योंकि ये एक जो पिनअप हो रहा है इसी से सब कुछ हो जाता है, इसी से प्रॉपर लॉक हो जाता है। बस इसको जब भी आप इंसर्ट करते हो यानी अंदर की तरफ लॉक करते हो तो टाइटली लॉक कर दें ताकि ये खुले ना, लूज ना हो। ये मेरी लास्ट लेयर है और इस लास्ट लेयर के बाद हमारा ऑलमोस्ट फ्रंट सेट रेडी है। मैं आपको एंड में दिखाऊंगा कितना अमेजिंग लग रहा है और इसके साथ आप क्या क्या प्ले कर सकते हो, बहुत कुछ, कर्ल्स, बन और बिल्कुल कुछ भी कर सकते हो, मतलब यू कैन प्ले एनीथिंग, पीछे की तरफ जाता हुआ कुछ भी बना सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल लगता है और हर तरीके के क्लाइंट इसे पसंद करते हैं और आप किसी को भी दे सकते हो। ये अब हमारे फ्रंट की जो लेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर फॉरहेड बड़ा है या मीडियम है उस पे आप इस तरीके से फॉलिंग फ्लिक दे सकते हो, ये बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से आपने फॉलिंग फ्लिक देना है। आप देख सकते हो मैं अच्छे से एक एक लेयर को ऊपर की तरफ लेके गया और उस लेयर को अच्छे से स्ट्रेच करते हुए लॉक किया और उसी में से मैंने हल्का सा फॉल नीचे की तरफ गिरा दिया। अब इस फॉलिंग फ्लिक के अंदर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारी आईब्रोज का एंड है वहाँ तक आपने इस फॉल को लेके आना है और वहीं तक आपने इसको ला के लॉक करना है। बहुत ज़्यादा नीचे भी लेके नहीं आना, बहुत अजीब लगता है। बस इस तरीके से साइड में मैंने अपने यहाँ पे एक सिल्वर पिन लगा लिया जिससे ये हमारा जो फ्रंट लेयर है थोड़ी अच्छे से टाइट हो जाए। अब यहाँ से मैं अच्छे से ट्विस्ट कर दूंगा, उसके बाद अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा 2 जोड़ा पिन, एक यहाँ इसको सपोर्ट के लिए अभी फ़िलहाल के लिए, और अभी 1 जोड़ा पिन हम इसको नीचे की तरफ कनेक्ट करने के लिए लगाएंगे सो दैट ये अच्छे से कनेक्ट हो जाए और ये एक अच्छी लुक देने लग जाए, क्योंकि ये उठा उठा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, ये ऐसे बहुत ब्यूटीफुल लगता है। अब इसे अच्छे से आप ट्विस्ट करेंगे और जो हमने अभी क्रिस क्रॉस बनाया है उसके अंदर अभी हमने इंसर्ट करना है। अगर बाल छोटे हैं तो आप यहीं पर ख़त्म कर दोगे, आपकी पूरी स्टाइलिंग कम्प्लीट हो जाती है। मगर अगर आपको बाल बड़े मिलते हैं तो आपने देखो इस तरीके से बिल्कुल अंदर की तरफ इंसर्ट करना है। अब मैं इसको अंदर और भी कैसे स्टेल को गायब करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये आप देख सकते हो मैं अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ, ये जूड़ा पिन से टेक्निक मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप ऐसे करके एक एक लेयर को अंदर की तरफ ले जाके बिल्कुल ऐसे लगेगा कि हमने इसको कहाँ गायब कर दिया, तो ये बहुत अमेजिंग लगती है टेक्निक। और आप ये बिल्कुल नीचे की तरफ ले जाके यहाँ पे छोड़ भी सकते हो और आप चाहो तो यहाँ नीचे की तरफ जूड़ा पिन से लॉक भी कर सकते हो। मैं जूड़ा पिन से लॉक कर रहा हूँ ताकि अच्छे से हाइड हो जाए। तो हमारी स्टाइलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मैं आपको दिखाता हूँ ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। सो दोस्तों देखिए कितनी अमेजिंग लग रही है। अगर आपने इसमें कुछ भी नया सीखा है तो जल्दी से शेयर कर दो, उन लोगों तक पहुँचा दो जो इस तरीके की स्टाइलिंग सीखना चाहते हैं। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरीके की स्टाइलिंग सीखने के लिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी ये स्टाइलिंग और दोस्तों नेक्स्ट स्टाइलिंग आप कौन से सीखना चाहते हो। चलो मैं दोस्तों चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक अपना ध्यान रखना, लव यू और टेक केयर।